औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसा कि मैं आज 11 स्टार ग्राउंड में मौजूद हूं और हमारी खुशकिस्मती से कि ये जो चैलेंज ट्रॉफी टूर्नामेंट होने जा रहा है, इससे पहले हमारे साथ सबका टेस्ट क्रिकेटर मंजूर इलाही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपको यहाँ पर आके टूर्नामेंट से पहले ग्राउंड की तैयारियाँ कैसी लग रही हैं? और मुझे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा मेंटेन किया हुआ ग्राउंड जैसे होना चाहिए क्रिकेट में। तो मैं जो अभी टूर्नामेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं 11 स्टार चैलेंज T20 2021, तो मेरा ख्याल है ये कामयाब होना चाहिए। और जैसे टीमें बुलाई हैं उनको, 28 टीमें हैं माशाल्लाह, 28 टीमों का टूर्नामेंट। 28 का मतलब 15 से ज़रूरत है, कितने बच्चों को वो बेनिफिट मिलेगा, क्रिकेट मिलेगी उनको। और वो मेरा ख्याल है ये बच्चों के लिए बेनिफिट है, जितने भी खेलेंगे एक्सपीरियंस होगा और क्लब का भी नाम बनेगा, मुल्क का भी नाम बनेगा। और उनको सबसे बड़ी बात, उनको मौका मिले क्रिकेट खेलने का। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने, हाई क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। जी हाँ, तो जाहिर बात है 28 टीम में उसमें हाई क्वालिटी क्रिकेट ही होगी, और जो अच्छे प्लेयर्स आए, अच्छी क्लबें आ रही हैं, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट कामयाब होगा। और मैं तो मुबारकबाद दे सकता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दरमियान में भी आऊँगा, अपना टूर्नामेंट भी देखूँगा, और फाइनल तक जो भी रिजल्ट होगा वो सब मिलकर देखेंगे उसको इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।